राधे राधे, शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद् गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद् गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना। ये वो सीढ़ी है जो तुम्हें आध्यात्मिक दुनिया में ले जाएगी। काशीपुरी नाम के एक जगह पे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था धीर बुद्धि। वो मुझे बहुत प्रिय था, इतना प्रिय जैसे कि नंदी जो मेरा वाहन है मुझे प्रिय है। वो बहुत शांत स्वभाव का था, उसने अपनी सारी इंद्रियों पे काबू पा लिया था और वो भगवान कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसीलिए वो जहां जहां जाता था मैं उसके पीछे पीछे जाता था, उसका ध्यान रखता था, उसकी रक्षा करता था और उसकी सेवा भी करता था। ये सब देखते हुए मेरा जो परम सेवक है भिंगरी रिद्धि, उसने मुझसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, ये जो भक्त है जिसकी आप स्वयं सेवा कर रहे हैं, ये कौन है? इसने ऐसा कौन सा कार्य किया है, कौन सा पुण्य किया है? उसने ऐसा कौन सा धार्मिक कार्य किया है, कौन सा यज्ञ किया है, तपस्या करी है कि आप स्वयं उसकी सेवा कर रहे हैं? कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि एक समय मैं कैलाश पर्वत में बैठा हुआ था, अचानक से एक बहुत विशाल पक्षी आ गया और वो पक्षी मेरे समीप आके उसने मुझे प्रणाम किया और एक बहुत सुंदर सा कमल प्रस्तुत किया और उसने कहा कि हे देवों के देव महादेव, आपकी महिमाएं अपरंपार है, आप सब भक्तों के रक्षक हैं। मैं एक छोटा सा पक्षी हूं और मेरी छोटी सी बुद्धि है। तब मैंने उसे कहा कि तुम कौन हो, यहां किस मकसद से आए हो और तुम्हारा जो शरीर है हंस के तरह दिख रहा है, पर उसका जो रंग है कौवे की तरह काला है, तुम कौन हो? तब उस काले हंस ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी का वाहन हूं और मेरा जो ये रंग काला हुआ है उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूं। सौराष्ट्र के नजदीक एक सुंदर सा झील है, वहां का ये सुंदर सा कमल मैं आपके लिए लाया हूं। कुछ समय पहले मैं वहां से उड़ रहा था और अचानक से जमीन पे गिर गया और मेरा पूरा शरीर काला हो गया। मैं जैसे ही समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे गिर गया और मेरा शरीर काला कैसे हो गया, तो एक आवाज आई झील के बीचों बीच से। और जब मैं नजदीक गया तो मैंने क्या देखा? मैंने 5 सुंदर कमल देखे और उसमें से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम किस वजह से गिर गए और तुम्हारा शरीर काला कैसे हो गया। तो उसने कहा कि तुमने पाप किया है, मेरे ऊपर से उड़ने का पाप किया है, जिस वजह से तुम यहां जमीन पे गिर गए और तुम्हारा सारा शरीर काला पड़ गया। और ऐसा क्यों हुआ है मैं तुम्हें मेरी कहानी बताती हूं।
तीन जन्म पूर्व मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। मेरा नाम था सरोज वंदना और मैं अपने पिताजी के आज्ञा के अनुसार सारे काम किया करती थी। उनके नियमों के अनुसार अपना सारा जीवन व्यतीत करती थी। जब मेरा विवाह हुआ तब मैंने अपने पति की बहुत सेवा करी, पर एक दिन ऐसा आया कि मेरे जीवन में एक मैना आई और वो मैना को देखते ही मैं मोहग्रस्त हो गई। उसको देखते ही मेरा मन मोहित हो गया और मेरा सारा ध्यान उसी मैना में लगा रहा और मैं अपने पति की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाई। उस कारण मेरे पति बहुत रुष्ट हो गए और बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अगले जन्म में मैना का रूप धारण करूंगी। मेरा अगला जन्म मैना के रूप में हुआ। जो मैंने अच्छे पुण्य कमाए थे मेरे पिछले जन्म में, मेरा संपर्क ऋषियों के साथ हो गया। वो मुझे अपने आश्रम ले गए और वहां उन्होंने मुझे अपनी लड़कियों के वहां रख दिया और उनकी लड़कियों ने मेरा देखभाल करी और वो लड़कियां सुबह और शाम को नियम से रोज श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती थी और वो पाठ मैंने भी श्रवण किया, जिस कारण मेरा अगला जन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ। एक बार मैं पुष्पक विमान में अप्सरा के रूप में बैठी हुई घूम रही थी कि मेरी नजर एक सुंदर से कमल के ऊपर पड़ी जो सौराष्ट्र के नजदीक इसी झील में थी। और मैं यहां आई और मैं इस झील में नहाने लग गई। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे नग्न अवस्था में देख लिया, निवस्त्र देख लिया और उसी वक्त मैंने कमल का रूप धारण कर लिया, पांच कमल का रूप धारण कर लिया, जिसमें दो हाथ मेरे दो कमल बन गए, दो पैर मेरे दो कमल बन गए और मेरा बाकी का शरीर पांचवा कमल बन गया। ऋषि दुर्वासा ने जब मुझे ऐसी अवस्था में देखा वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू ऐसे ही रहेगी, 100 वर्ष तक इसी अवस्था में रहेगी। आज वो 100 वर्ष पूरे हो गए, मेरा जो श्राप है वो खत्म हो गया। आपके मेरे ऊपर उड़ने की वजह से, जमीन पे गिरने की वजह से और आपका शरीर काले होने की वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो गई हूं। मुझे पिछले जन्म का जो मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया था वो याद है। उसी कारण मैं आपको वो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी जिससे आपकी ये अवस्था से मुक्ति हो जाएगी। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाया और उसके उपरांत एक पुष्पक विमान में बैठ के वो वैकुंठ को चली गई। उसके उपरांत ये सुंदर सा कमल लेके मैं आपके पास आया हूं। भगवान शिव जी ने कहा कि उस काले हंस ने अपनी कहानी सुनाई और सुनाने के बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद उसने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया
और उस ब्राह्मण का नाम था धीर बुद्धि। और बचपन से वो नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता आ रहा है, इसीलिए मैं उसकी रोज सेवा करता हूं। कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता है या कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के पाठ को सुनता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, उसे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्रिय पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या महिला हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, चाहे उसकी कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अगर वो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसे भगवान विष्णु के दर्शन जरूर प्राप्त होते हैं। तो ये थी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य की कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं एक ऑथर हूँ, मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करियर कोच हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। इसीलिए अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।